नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप में। तो आज के क्लास में हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं CTET केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर वन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले पर 31 जनवरी 2021 का है, जो पिछले बार एग्जाम हुआ था 2021 में 31 जनवरी को उस प्रश्न सेट को लेकर आए हैं, जो कक्षा 1 से 5 के लिए है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी फ्रेंड्स आज पहली बार हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे बजा दें, ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज हम लोग देख रहे हैं 31 जनवरी 2021 का प्रश्न पत्र, जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से। देख सकते हैं आप लोग अपने डिस्प्ले पर क्वेश्चन वन कह रहा है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगम कर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए या ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, या विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए या विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। क्या करना चाहिए विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु। सभी लोग इस प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह लाइव क्लास के रूप में चल रहा है। वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है, उसमें अपना उत्तर जरूर दें। इस तरह से आप लोग का एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। याद रखेंगे, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है। कह रहा है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, तो याद रखेंगे समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। याद रखेंगे समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, तो लगातार, ध्यान देंगे लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान देंगे, किसी छात्र की समस्या समाधान क्षमताओं को लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर ही सुसाध्य किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोग के सामने ये रहा। कह रहा है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए, तो याद रखेंगे अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे सभी लोग,
अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्राओं की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने यह है, कहा जा रहा है सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, तो याद रखेंगे सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है, अपसारी चिंतन होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होगा, अपसारी चिंतन। ध्यान देंगे, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही क्या कहलाता है, सृजनात्मक। ठीक है, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही क्या कहलाता है, सृजनात्मकता। तो कहता है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, अपसारी चिंतन, रचनात्मक विचार, मौलिक चिंतन, दृढ़ भावनात्मक आदि। सृजनात्मक से आशय क्या है, तो सृजनात्मकता से आशय मौलिक चिंतन, नवीन संगठन, व्यवहार, समस्याओं का नवीन ढंग से समाधान एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण रखना है। इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का कथन है जिनका नाम है जेम्स ड्रेवर। उनके अनुसार कहा जाता है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, तो आप सारे चिंतन, क्योंकि ऑप्शन डी है जो इसका मेन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, तो याद रखेंगे ये 4 ऑप्शन में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है जो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों पर शेयर करें। आप लोगों के लिए प्रतिदिन सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पर शेयर करें। और आज आप लोग पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि, अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहता है ऑप्शन ए, इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। ऑप्शन बी कहता है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर ही निर्भर है। और ऑप्शन सी कहता है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा को निर्धारित कर सकती हैं। और ऑप्शन डी कहता है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान देंगे किसी दिए गए क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है क्योंकि क्रियाकलाप के दौरान छात्रों द्वारा की गई त्रुटियां की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं। समझ गए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। एक बार मैं और इसे समझाते चलूं, कहा जा रहा है कि किसी दिए गए क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है क्योंकि क्रियाकलाप के दौरान छात्रों द्वारा
की गई त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए क्या होती है, अर्थपूर्ण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और ध्यान देंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप प्रतिदिन सीटेट के लिए टेस्ट दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो ध्यान देंगे, अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने हेतु प्रोत्साहित करती है। अधिगम जो कह रहा है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने हेतु प्रोत्साहित करती है तथा उसे तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले। तो किस प्रकार कायम रखा जा सकता है अधिगम की अभिप्रेरणा को, तो याद रखेंगे, अधिगम की अभिप्रेरणा को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर हम इसे कायम रख सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखेंगे, अधिगम की अभिप्रेरणा को हम प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कायम रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है शर्मिंदगी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, तो ध्यान देंगे, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है, अगर कोई बच्चों में शर्मिंदगी है तो उसके संज्ञान पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संज्ञान में शर्मिंदगी का कोई जगह नहीं है। अगर किसी बच्चे में, किसी छात्र छात्राओं में शर्मिंदगी है तो उनके संज्ञान पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, या बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सही कहा आप लोगों ने, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि अधिगम एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। अधिगम का संरचनात्मक विचार ज्ञान की संरचना में बच्चे की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें इससे प्रेरणा मिलेगी, और इसी तरह से आप लोगों के लिए प्रतिदिन क्लास लेकर आते रहेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए सीटेट का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि दिसंबर माह में ही इसका एग्जाम होने वाला, इसलिए बहुत ही कम समय बचा है। तो हम इसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और इसके बाद और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आएंगे जो एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसलिए आप लोग प्रतिदिन हमसे जुड़े रहें और क्लास में अंत तक जरूर बने रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा
उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो याद रखेंगे, अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो योग्यता सुधार्य, योग्यता सुधार्य जो धारणा है वह उपयुक्त है। अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धारणा है योग्यता सुधार्य। शिक्षक तथा अभिभावकों आदि के लिए द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से बालक की योग्यता में अपेक्षित सुधार करने के साथ साथ उसे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त जो धारणा है वह योग्यता सुधार्य। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ बढ़ोतरी करने में सहायक है? निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो याद रखेंगे, संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में कौन सी परिपाटी सहायक होती है? तो अन्वेषण और संवाद। ध्यान देंगे, अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं, जबकि बारंबार परीक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र एवं अति प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं आदि संकल्पनात्मक समझ के विकास में सहायक नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं। संकल्पना, ठीक है, संकल्पनात्मक जो समझ है विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में कौन सहायक है? अन्वेषण और संवाद। तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब कब होती है बच्चों को सीखने में कठिनाई? तो ध्यान देंगे, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होगी? तो बच्चों का अधिगम हेतु आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना, अधिगम सामाजिक संदर्भ में होना एवं विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया जाना आदि बच्चों के लिए प्रभावशाली अधिगम को दर्शाता है, जबकि सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करने से बच्चों को सीखने में क्या होती है? कठिनाई होती है। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होगी? जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होगी? जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो याद रखेंगे, किसी अधिगमकर्ता की अधिगम हेतु सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना एवं कोई भय नहीं होना है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, अर्थात भय मुक्त होना ही अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, संतुलित उत्तेजना एवं कोई भय नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पर शेयर करें। अगर इसमें कोई सुधार करने की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग के कमेंट को ही ध्यान में रखते हुए अगले क्लास को आप लोग के समझ रखा जाएगा। तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोग को यह क्लास कैसा लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो ध्यान देंगे, बच्चों की विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ध्यान देंगे, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित कर सकते हैं?
तो अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर हम इसको प्रतिरोपित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों का बालकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनुवांशिकता द्वारा वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो वहीं वातावरण के कारण बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेगिक एवं शैक्षणिक विकास होता है। अतः बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है। एक कार्य के दौरान सायना, लड़की का नाम है, छात्रा का नाम है, सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। तो ध्यान देंगे, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात करना कि वह अपने कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, यह लेव वाइगोत्स्की के भाषा और विचार के विषय में दिए गए स्व नियमन से संबंधित है। स्व नियमन जो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, स्वतः नियमन आप लोग के सामने है ऑप्शन डी, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की के भाषा और विचार के विषय में दिए गए स्वतः नियमन से संबंधित है, अर्थात सायना द्वारा अपने कार्य की प्रगति हेतु स्वयं से बात करना लेव वाइगोत्स्की के स्वतः नियमन को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास काफी लंबा हो जा रही है क्योंकि हम इसे विस्तार पूर्वक बताते चल रहे हैं। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सलाह दें कि किस तरह से क्लास को आगे बढ़ाएं। सिर्फ आप लोगों के आंसर बताते चले या आंसर को विस्तार पूर्वक समझाते हुए, तो आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और अच्छा लग रहा वीडियो को तो लाइक करें और दोस्तों पर शेयर करें। आज हम 15 क्वेश्चन तक ही क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में आप लोग के कमेंट पर हम कमेंट के अनुसार ही इससे आगे बढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम 16 से आगे देखेंगे। आज हम लोग 1 से 15 तक देखें जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से थे। जो एग्जाम जितने भी प्रश्न देखें वे सभी प्रश्न 31 जनवरी 2021 को पूछा गया प्रश्न था, क्योंकि हम अभी जो चल रहे हैं वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहे हैं, उसको हम समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई इसमें त्रुटि है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आगे प्रश्न से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।